ओके तो इंडिया वर्ल्ड कप हार चुकी है, नाउ इट्स टाइम टू गेट रियल। हम किसी प्लेयर को ब्लेम नहीं करना चाहते, लेकिन कुछ तो गलतियां हुई है, कुछ ऐसी चीजें जो पूरे वर्ल्ड कप में हमारे साथ हुई लेकिन फाइनल में वो हमारे साथ में नहीं हुई। और फाइनल के पहले जो हम बातें कर रहे थे कि अगर ये किया तो हार जाएंगे, वो हुआ तो हार जाएंगे, सब कुछ एग्जैक्टली वैसे ही हुआ, लाइक एग्जैक्ट सेम रिजल्ट, हम फाइनल हार गए। इंडिया में कैसे हार सकते हो यार, कंप्लीट सेटअप था, सब कुछ तुम्हारे फेवर में था। इंडियन टीम अपनी लाइफ की बेस्ट परफॉर्मेंस दे रही थी, बाकी सारी टीम्स अपने वर्स्ट फेस से निकल रही थी, स्पेशली सब कॉन्टिनेंट टीम पाकिस्तान और श्रीलंका, जिससे हमको सबसे ज्यादा खतरा था। तुम्हारे पास होम सपोर्ट था, 130,000 लोगों का नीला समंदर, आपके पास अहमदाबाद की परफेक्ट पिच थी जो स्पेशली इंडियन बैटर्स को ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी। पूरे टूर्नामेंट में हर एक अपोनेंट को डोमिनेट करते हुए आ रहे थे हम, और इतना सब कुछ करने के बाद हम हार गए। ऑन टॉप ऑफ दैट, ये फाइनल के पहले जो बिल्डअप चल रहा था, पूरी मीडिया हाइप इंडिया के साथ थी, जर्नलिस्ट पेड कमेंट से जा जाके ऐसे सवाल पूछ रहे थे कि आप किस तरह इस वर्ल्ड के सबसे बेस्ट बैटिंग और सबसे बेस्ट बॉलिंग के सामने कम्पीट करोगे। सारे स्पेशलिस्ट इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे, यहाँ तक कि फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को भी भरोसा नहीं था कि ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगी। 1.4 बिलियन लोग कन्विंस थे कि ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो इंडिया को जीतने से रोक सकती है, एंड फिर भी समहाउ हम हार गए। सब कुछ ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट था, लेकिन फिर भी उन्होंने टेबल्स टर्न किए, और इस टूर्नामेंट में ये पहली बार हुआ जब इंडिया के सामने रियल चैलेंज आया और वो प्रेशर में क्रम्बल कर गए। ये पूरी कहानी इस एक वर्ड पे आके रुक जाती है, ऑस्ट्रेलिया को आदत है प्रेशर में खेलने की और इंडिया को नहीं। ऑस्ट्रेलिया ने केवल एक मैच जीता जो सबसे ज्यादा मैटर करता था, और इंडिया ने केवल एक ही मैच हारा जो वो हारने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन इंडिया आखिरकार हारी कैसे, तो दो तीन ऐसी चीजें हैं जो अगर इंडिया के हित में चल जाती तो इंडिया ये वर्ल्ड कप नहीं हारती। उसमें से फर्स्ट और सबसे मेजर इंडिया की बॉलिंग। अब इंटरेस्टिंग बात ये है यहाँ पर कि रोहित शर्मा ने कुछ डिसीजंस लिए थे और उनमें से एक भी डिसीजन गलत नहीं था, बस उनका आउटकम गलत निकला, जैसे शमी को सिराज के पहले बुलाना। अब जिस तरीके का फॉर्म सिराज का सेमीफाइनल में था, ये एकदम परफेक्ट डिसीजन था, क्योंकि फर्स्ट थिंग फर्स्ट हमारे पास ज्यादा रन थे नहीं, और अगर सिराज शुरुआत में प्रेशर नहीं बना पाते तो जो 3 विकेट्स हमको मिले थे वो कभी मिलते ही नहीं। लेकिन प्रॉब्लम वहां जाकर आ गई जब सिराज पुरानी बॉल से विकेट नहीं ले पाए। दूसरा, जब 3 विकेट्स गिरे और लाबुशेन बैटिंग करने के लिए आए तो रोहित शर्मा ने दोनों तरफ से स्पिन लगा दी। अब देखा जाए तो ये डिसीजन भी सही था, क्योंकि अगर बाद में ड्यू आ जाती तो स्पिनर्स कुछ काम के नहीं रहते। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि जल्दी आने के बावजूद स्पिनर्स कुछ काम के नहीं रहे। सेकेंड जो गलती थी वो थी विराट कोहली और केएल राहुल की पार्टनरशिप। अब विराट कोहली का तो चलो तो भी ठीक है, उन्होंने शुरुआत में चक्के चौके लगा दिए थे और वो गलती से आउट हो गए। अगर वो 50 के बाद आउट नहीं होते तो हु नोस, वो गियर चेंज भी कर सकते थे। लेकिन केएल राहुल, उन्होंने ना तो सिंगल्स को डबल्स में कन्वर्ट किया और ना ही चौके मारे। हम लिटरली बीच के ओवर्स में केवल 4 रन्स पर ओवर के स्पीड से रन्स बना रहे थे। अब ठीक है, इंडिया प्रेशर में थी इसलिए वो चौके नहीं मार सकते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी स्टेडियम की बाउंड्रीज बहुत बड़ी है, अब वहां पर भी आप डबल्स नहीं ले पा रहे हो, बिग मिस्टेक। अब इसके पहले जितनी भी मिस्टेक्स हुई वो गलती से हुई, उन्होंने अपने अपने रोल्स निभाए, लेकिन सूर्या का इकलौता रोल इस टीम में अग्रेसिव बैट्समैन का था कि उनको आखिरी में आना है और छक्के चौके मारकर 30-40 रन बना के चला जाना है, एक काम। लेकिन उन्होंने वो काम भी नहीं किया, साफ दिख रहा था कि वो कितने प्रेशर में है, खुद स्ट्राइक लेने की जगह वो शमी को स्ट्राइक दे रहे थे। इस टाइम पे हम लोगों को हार्दिक और ऋषभ पंत की कमी महसूस होती है, हमारी टीम में काउंटर अटैक करने वाला कोई बैट्समैन था ही नहीं कल, क्योंकि विराट कोहली और केएल राहुल दोनों का काम है एंकर इनिंग्स खेलना, जो अग्रेसिव बैटिंग करते हैं रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल वो आउट हो चुके थे। अब जडेजा और सूर्या का वो काउंटर अटैक वाला रोल था, लेकिन वो चीज हम लोग कर नहीं पाए। सीरियसली ये हार बहुत हर्ट करने वाली हमको, क्योंकि अगला जो वर्ल्ड कप है इंडिया में वो 2031 में होने वाला है, 8 साल बाद। हां, बीच में 2026 में एक T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, लेकिन ओडीआई की बात ही अलग होती है, वो 4 साल में एक बार आता है और T20 तो हर 2 साल में आ जाता है। बाकी रही बात रोहित शर्मा की, तो उनके पास स्टिल 2 मौके हैं, लेकिन वो दोनों ही बहुत मुश्किल होने वाले हैं, क्योंकि फर्स्ट तो T20 वर्ल्ड कप है जो IPL के बाद होने वाला है अगले साल। अब T20 का कोई भरोसा नहीं होता है, कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा कुछ फिक्स नहीं होता है। और दूसरा चैंपियंस ट्रॉफी जो 2025 में होने वाली है, अब इसके वेन्यू को लेकर थोड़े डाउट्स हैं। अगर ये पाकिस्तान में हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर ये UAE में हुआ तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी जीतना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा रोहित शर्मा के लिए। बाकी हम डिजर्व तो करते थे वर्ल्ड कप, लेकिन हार्ड लक। बाकी अगर आपको लग रहा है कि मुझे प्लेयर्स के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तो भाई जब ये जीतते हैं तब हम इनकी तारीफ करते हैं, तो हारने के बाद इनसे नाराज होने का भी पूरा हक है हमें।